बाय आंटी। बस होगी सुनी बावली, पूरा स्नोफॉल पूरा स्नोफॉल यहाँ खड़ी उग करवा के स्नोफॉल के मजे लिए इसने। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है फोर्थ डे और हमारा रूम है ऐसा, दो रजाइयाँ मिली थी और एक बेड और इतना छोटा सा होता है यहाँ पे इस तरह। और टाइम हो रहा है 5:30 और जो हमारे साथ एक फैमिली और थी, भैया और उनकी वाइफ की तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। उनको पूरी रात, क्या कल पूरे दिन से और पूरी रात हो गई, कंटिन्यू उनको वोमिटिंग हो रही है। तो उन्होंने भी प्लान कर लिया कि वापस जाना है और हम भी सोचें कि बस वापस घर निकल जाते हैं और देखते हैं किधर के रोड से निकलते हैं। और अभी थोड़ा फ्रेश वेश होंगे और थोड़ा कुछ खाएंगे, उनसे तो कुछ खाया नहीं जा रहा। उनको लैक्ट्रोल दे दिया है, वोमिटिंग की टैबलेट दे दी है, वो निकल रहे हैं और फिर हम भी निकल रहे हैं। और ये हमारे जो जहाँ हम रुके हुए थे उनके ओनर हैं, बहुत अच्छा इनका नेचर है, सारी चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से समझाई। और ये पोंग एरिया है और यहाँ पे ये वाले हिल्स हैं, यहाँ पे सब ये रुकने वाले रूम्स वगैरह हैं। और हम इस वाले अंदर, इसमें बहुत सारे रूम्स हैं, देखने में बहुत छोटा है और हमारी गाड़ियाँ हैं। और जो भैया आए हुए थे उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी, उनकी वाइफ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, वो वापस हो चुके हैं। अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करना है, और मैं दिखा देती हूँ। और यहाँ की किचन ये है, यहाँ से हमने ब्रेकफास्ट किया, रात का थोड़ा सा नाश्ता किया और हमारा रूम था इधर। मैं दिखाती हूँ, देखो इधर भी रूम है, उधर भी रूम है और हमारा रूम था ये। और इधर रूम और इसके अंदर भी रूम और साइड में भी। रात अच्छे से सोए, आज थोड़ा आराम है, फिर भी यहाँ आर्मी बेस कैंप है आधा किलोमीटर दूर। मेरा ये मन है कि मैं वहाँ जाके थोड़ा सा सर दर्द की दवाई ले लूँ, क्योंकि अभी भी सर दर्द तो है थोड़ा बहुत। तो बेहतर है कि यार आगे जाने से पहले या वापसी जाने से पहले, कुछ भी जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं अभी थोड़ी बहुत देर में, उससे पहले एक बार आर्मी बेस कैंप पे जाके थोड़ा सा दवाई वगैरह ले लें। उनसे भी मुझे कुछ पूछना है कि भाई रास्ता कौन सा ठीक है, इधर से वापसी जाएँ या इधर से। तो चैनल पे बने रहना, अभी ज़्यादा बोलने में भी ना सांस फूल रही है। ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है यहाँ पर SpO2 वो सिर्फ 60 है हम लोगों का, मेरा भी, सोनी का भी, इवन दो यहाँ पर जो कुछ लोग और आए हैं मैंने उनका भी देखा, उनका भी 62, 65 और 59 ऐसे ऐसे। तो भाई ब्लड ऑक्सीजन लेवल का SpO2 बहुत दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। और हमारा ट्रैवल हुआ था लेफ्ट साइड से पांग टू मनाली टू पांग, और पांग से अब लेह का ट्रैवल, इधर की डिस्टेंस सब कुछ और क्या क्या एरिया हम क्रॉस कर गए हैं और क्या क्या आने वाले हैं, ये सारी डिटेल लिखी हुई। अंकल बाय आंटी, बहुत अच्छा रहा, आपने हमारी बहुत हेल्प करी हर चीज़ के लिए, थैंक यू। और अभी हम पहुँच गए हैं आर्मी बेस, जहाँ पे हमें थोड़ी सी मेडिसिन लेनी है। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, वैसे अलाउड नहीं है। बस ये है, यहाँ से मेडिसिन लेनी है। और मेरे लिप्स तो भगवान जाने क्या हो गया है, यहाँ पे ड्राई है, हाथ भी ऐसे काले और फटे फटे रब हो गए हैं ना, 3 दिन में ही ये हाल हो गया। और अभी हमें पता नहीं, 3 दिन तो अगर वापस जाते हैं तब भी 3 दिन लगेंगे, और आगे जाते हैं तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, देखते हैं हम कैसे होकर जाएंगे। ये देखो हल्की हल्की, बहुत हल्की हल्की स्नो पड़ रही है जो शीशे पे एकदम दिखाई दे रही है, एकदम फुहार की तरह आती है रुआ रुआ से और तुरंत फिर पानी बन जाता है उसका। और टाइम हो गया है 6:39, हम निकले हैं अभी और यहाँ पे अभी थोड़ा सा मेडिसिन हेल्प और चलते हैं, देखते हैं किधर चलना है। अब आगे लेह का रास्ता आप देख सकते हैं, चौड़ा वो है, मतलब कि ग्राउंड सा पड़ा है और उसके बीच में रोड, और लेह बचा है ओनली 60 किलोमीटर, जो हम जल्दी से 4 घंटे में कवर कर जाएंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ के एनिमल्स ऐसे हैं और बेचारे कितना ठंड में हैं इस टाइम, यहाँ की हैं ये ऐसे घूम रहे हैं। और अब इतनी स्नो पड़ रही है तो फिर इनको खाने वाने का क्या होता होगा, मैं तो समझ से बाहर है। और यहाँ पे सारे यही हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ सारे एनिमल्स ही दिखाई दे रहे हैं और थोड़े थोड़े कैंप्स हैं। अभी तक जो स्नो थी वो बहुत लाइट थी, आपको दिख रही थी,
लेकिन अब इतनी ज़्यादा तेज स्नो है ना, हैवी वाली, मतलब कि पहले तो छोटी छोटी बूंदों टाइप से में थी, बहुत हल्का सा रुआं सा गिर रहा था, अब तो इतना बड़ा बड़ा सा रुआं गिर रहा है फास्ट, बहुत ही ज़्यादा तेज है, आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे, बिल्कुल फास्ट। और ये पता है रुआं सा गिर रहा है, ऐसी बात नहीं तो कोई यहाँ चिपक रहा है, वो उड़ रहा है, वाकई भाई इतनी हैवी स्नो, फर्स्ट टाइम मैंने तो स्नोफॉल देखी, फर्स्ट टाइम थी वहाँ नीचे हल्का हल्का सर हुआ, बट ऐसी तो कभी सोचा ही नहीं था कभी देखूंगी, क्योंकि हम ज़्यादा सर्दियों में कहीं निकलते नहीं हैं और अभी भी हम जून मंथ में चल रहे हैं, तो हमें कभी भी ऐसा आइडिया ही नहीं था कि हमें ऐसे इतनी हैवी स्नो पड़ती हुई दिखाई देगी, और आगे बिल्कुल ब्लर है। यहाँ से ले पड़ता है टोटल 167 किलोमीटर, और आप देखते हैं हमारा गूगल मैप भी बता रहा है हमें 3 घंटे 58 मिनट का टाइम है जो यहाँ लगने वाला है, और 167 किलोमीटर ही है, करीबन 11 बजे के आसपास हम वहाँ पहुंच जाएंगे। और रास्ता ऐसा है भाई, मतलब बिल्कुल सीधा रास्ता है, आप देख भी सकते हो गूगल मैप भी जो है वो बिल्कुल सीधा ही रास्ता बता रहा है, और दूर तक कुछ भी नहीं है, नॉट एनी सिंगल व्हीकल, हाँ हमारे पीछे एक व्हीकल जरूर आ रहा है लेकिन आगे तक कुछ भी नहीं, और स्नोफॉल लगातार कंटिन्यूअसली स्नोफॉल चल रही है, आप देख ही सकते हैं जैसे मैं जूम कर रहा हूँ तो स्नोफॉल जो है वो नजर आ रही है, तो भाई साहब रास्ते का तो मजा आ रहा है, नो डाउट, बस स्नोफॉल बहुत हो रही है तो उसकी वजह से ना ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, ठंड तो हो गई है ज्यादा। फिलहाल तेलंगलाला पहुंचने में तकरीबन अभी 60 किलोमीटर बचे हुए हैं, वहां जाके देखते हैं, वो सबसे ज्यादा ऊंचाई जहां पे हम रुके हुए थे वो भी 15,000 से ऊपर की ऊंचाई थी, तो अब यहाँ से 3 घंटे लगेंगे, तो मुझे लगता है 3 घंटे ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, और हमारी गाड़ी वैसा लगातार चल रही है, उम्मीद नहीं थी 91,000 किलोमीटर चलने के बाद में हम I-10 को यहाँ लेके आएंगे, कभी सोचा भी नहीं था, और जिस हिसाब से इसने साथ दिया है ना, और जिस हिसाब से आई है, CNG पे भी आई है, मैंने CNG पे भी चलाई है, यार ट्रस्ट मी इट्स माइंड ब्लोइंग, उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन जो है इस गाड़ी का रहा है। फिलहाल रास्ता विद स्नोफॉल, सोने की चल रही जबरदस्त फोटोग्राफी वीडियो जब बनाते ले लिए भाई तेरे फोटो मैंने, ऐसी बात नहीं फोटो ले लिया, ये कोई मंदिर है यहाँ का, ठीक है भाई हम अब एक शॉर्ट्स बना रहे हैं, वो दिख गए भाई थोड़े थोड़े से, बस होगी सोनी बावली, पूरा स्नोफॉल यहाँ खड़ी उकरवा के स्नोफॉल के मजे लिए इसने, और हाँ ये तो मैं दिखाना भूल ही गया था, सब जगह स्नोफॉल चल रही है और बहुत लंबा सारा खाली पड़ा हुआ है, इस तरफ भी खाली, इस तरफ एक गाड़ी आई है, और यहाँ पे अभी तेलंगला है 53 किलोमीटर, सोनी चलो गाड़ी में, हाँ अच्छा है, नहीं मजा आया तुम्हें स्नोफॉल का, पूरी जैकेट सारी स्नोफॉल, फर्स्ट टाइम इतनी स्नो, ओ माय गॉड, चलो बैठो, और मतलब वेदर इतना अच्छा, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्नो पड़ पड़ के ना, अब उसकी आइस बन के पीसेस बन के, और ये नीचे स्लिप हो रहा है, ये यहाँ पे नीचे इकट्ठे हो रहे हैं, ये अभी ये मेरे जस्ट आंखों के सामने नीचे गया है, और अब ये थोड़ा स्लिप होके साइड में आने लगा है, यहाँ पे भी बर्फ बना हुआ है, ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, और कंटिन्यूअसली स्नो चल रही है, ऐसी बात स्नो पड़ रही है आराम से, कंटिन्यूअसली स्नो है, और ठंड भी अब बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, बहुत ही ज्यादा सोने, लेकिन इतने स्नो का अंदाजा नहीं था मुझे, और उधर और भी ज्यादा भयंकर, वहाँ पे धुआं हो रहा है बिल्कुल, पहाड़ है शायद, नहीं स्नो है बेबा, वो नीचे गिर रहे हैं, नीचे देखो बिल्कुल वाइट हो रहा है, आगे तो लग रहा है कि और भी भयंकर स्नो है, देखते हैं आगे क्या मिलता है कैसे मिलता है। अब यहाँ से तेलंगला जो है जो हाईएस्ट टॉप है, सेकंड हाईएस्ट टॉप है, वो सिर्फ 33 किलोमीटर के आसपास ही बचा हुआ। आई होप लेह लद्दाख की आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, अगर आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, शॉर्ट्स वीडियो देखनी है तो इंस्टाग्राम अकाउंट सोनी तोमर पे जाकर देख सकते हैं, और इसका भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी से आने वाले हैं, तो वी चैनल पे बने रहिए, और जल्दी से लेकर आती हूँ।